we call a new video. And for today, we are going to start a new topic, that is the chromosome. After one point chapter meet, our chapter is name is cell. So, students, chromosome are the we can say a kind of a substance, okay, that carries the genetic information. ठीक है, यानी कि बच्चों जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं वो कहाँ होते हैं, आपके क्रोमोसोम में ही कसते इनकॉर्पोरेटेड होते हैं. ओके, एंड क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए. क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द डीएनए. ठीक बच्चों, वो डीएनए क्या होता है, वो बना होता है. तो फर्स्ट पॉइंट इज दिस, इट वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर. इट वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर इन 1888. नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड और ज्यादा स्ट्रक्चर फिर क्या है बच्चों, ये क्रोमोसोम बनाते हैं. क्या बनाते हैं, ये क्रोमोसोम बनाते हैं. क्रोमोसोम का कितना हो जाएगा, जैसे ये देखिए, ये है ना, तो बच्चों इसका कितना होता है, 1400 एंगस्ट्रॉम होता है. कितना होता है बच्चों, 1400 एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक, तो इस तरह से चलता रहता है. तीसरे बच्चों, अगर हम कहें कि अगर एक बड़े से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो क्रोमोसोम देखो यहाँ बीच में होता है, एक और देखिए इसी की क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दीज स्ट्रक्चर्स हैविंग समवेयर कंडेंस्ड पार्ट, समवेयर नॉट हैविंग कंडेंस्ड. थर्ड फॉर्म में होते हैं, जहाँ थर्ड फॉर्म में होती है दैट कॉल्ड क्रोमैटिड, अच्छा क्रोमोनिमेटा, दैट कॉल्ड क्रोमोनिमेटा. तो यहाँ पे जहाँ जहाँ ये सेकेंड फॉर्म में जाता है देन नोन एज क्रोमोमियर, देन नोन एज क्रोमोमियर. और देखिए यहाँ जो सेलुलोमियर हो गया, पेरिफिल हो गया, बता दिया मैंने आपको. यहाँ पे एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दैट इज कॉल्ड टेलोमियर, दैट इज कॉल्ड फिगर से टेलोमियर. और जो इस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोल सकते हैं, जिस सैटेलाइट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सैटेलाइट. ठीक है, अब बच्चों जिस क्रोमोसोम में सैटेलाइट होगा उसको बोलते हैं सैट क्रोमोसोम. जैसे कि कितने 23 क्रोमोसोम होते हैं, 46 होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो पेयर नंबर कितना होगा, 13, 14, 15, 21 and 22. दिस ऑल आर हैविंग सैटेलाइट एंड दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड सैटेलाइट क्रोमोसोम. बच्चों इसी और भी है, अभी हम पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 10 सेल डिवीजन पढ़ाएंगे. क्या पढ़ाएंगे, सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ बताना है. लेकिन हाँ, क्रोमोसोम से रिलेटेड चाहिए तो क्रोमोसोम में कौन से, बच्चों ये क्या है, सेंट्रोमियर. क्या है, सेंट्रोमियर. देखिए सेंट्रोमियर हो गए, शॉर्ट में क्या सेंट्रोमियर. बच्चों ऊपर देखिए, दिस इज दिस, ये आर नोनस, ये और ये हम ऊपर इसका स्ट्रक्चर है, दैट्स आर्म्स. क्या बोलते हैं, आर्म्स. एक आम यहाँ पे है, एक आम यहाँ पे, दो आर्म्स हो गए बच्चों. लेकिन इसमें अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो वन क्रोमोसोम होगा, वन क्रोमोसोम समझ आ रहा होगा, वन क्रोमोसोम विद वन क्रोमैटिड. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको बोलते हैं क्रोमैटिड, दे आर नोन एज क्रोमैटिड. बाकी बच्चों यहाँ पे एक यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, एक क्रोमोसोम ही है, एक क्रोमोसोम है. अब बच्चों यहाँ देखो, वन क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड ये है, यहाँ देखो ऐसे एक क्रोमैटिड ये है, एक क्रोमैटिड ये है, ये टू क्रोमैटिड हो गया. बच्चों अगला क्या है, फोर आर्म्स. बच्चों ये क्या हो गया, फोर आर्म्स, 1 2 3 4, ये बच्चों क्या हो गए, फोर आर्म्स हो गए.
मदर सेल होती है, मदर सेल में ये होता है और डॉटर सेल में ये होता है, ठीक है ना। चले तो दिस आई फिनिश दिस टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब अगले वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर लोकेशन पर आपको क्रोमोसोम का टाइप क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।